इज़ वेलकम बैक टू मैन अदर वीडियो एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जोजी मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, एंड यहाँ पर हाजिर हैं कौन ही ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। सो गाइज, फाइनली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो का एक अपकमिंग गेमिंग डिवाइस है। ये फर्स्ट टाइम है कि वीवो अपना कोई गेमिंग डिवाइस लॉन्च कर रहा है, क्योंकि इससे पहले वीवो को जो डिवाइसेज आते थे वो स्नैपड्रैगन के चिपसेट के साथ आते थे। और अब यहाँ पर दोस्तों फाइनली वीवो ने जो है अपनी जी सीरीज़ का चिपसेट यूज़ किया है अपने एक डिवाइस में, G80 का मीडियक, जो कि गेमिंग चिपसेट है। और फाइनली दोस्तों ये पाकिस्तानी मार्केट में ये डिवाइस जो है जल्दी लॉन्च किया जाएगा। तो आज की वीडियो दोस्तों इस डिवाइस पर बेस्ट है, वीवो Y33S गेमिंग डिवाइस है, वीवो की तरफ से फर्स्ट गेमिंग डिवाइस जो कि आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो इसी डिवाइस पर बेस्ट है, बात करेंगे इस डिवाइस में क्या चिपसेट, क्या प्राइस, रिलीज डेट और क्या फीचर्स और क्या लोको डिजाइन इस डिवाइस को होने वाला है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक वॉच करने एंड वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई वीडियो भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करें अगर हम लोको डिजाइन की, तो वीवो ने यहाँ पर जो लोको डिजाइन यूज़ किया है, आपको पता है वीवो V20 से लेकर वीवो V21, V21E एंड V20E, ये जो मॉडल्स थे दोस्तों इनकी जो लुक है बैक की वो बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर दोस्तों वीवो ने यही लोको डिजाइन जो है वीवो Y33S में भी यूज़ किया है, और बैक पर ट्रिपल कैमरा का सेटअप है जिसमें आपको जो है कुछ कैमरा लेआउट इस तरह का देखने को मिल जाएगा। साइड फ्रेम यहाँ पर दोस्तों वीवो ने जो है प्लास्टिक की दी है। बाई द वे यहाँ पर अगर आप वीवो V20 की बात करें, V21 की, तो वहाँ पर दोस्तों आपको जो साइड फिनिशिंग वो तकरीबन आईफोन को कॉपी किया है इन्होंने, आईफोन 12 सीरीज को। तो यहाँ पर फाइनली दोस्तों आपको उस तरह का लोको डिजाइन देखने को मिल जाएगा। फ्रंट पर वाटर ड्रॉप नॉच दी गई है, डिवाइस जो है सेम पर काफ़ी स्लिम तैयार किया गया है। ओवरऑल दोस्तों डिवाइस का जो लोको डिजाइन है वो तो यानी कि वीवो V21 जैसा ही है, बजट सेगमेंट के अंदर हमें जो है फ्लैगशिप वाला लोको डिजाइन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों फाइनली बात करते हैं डिवाइस के फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन को लेकर, तो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 11 के साथ आपको देखने को मिल जाएगा ये डिवाइस। एंड यहाँ पर गेमिंग के लिए जो है मीडियाटेक का G80 चिपसेट यूज़ किया गया है, बहुत ही पावरफुल चिपसेट है, बहुत ही अच्छा चिपसेट है। एंड इस GPU की बात करूँ तो माली G52 का GPU है। डिवाइस में आपको जो है तकरीबन 2.0 GHz ऑक्टा कोर की प्रोसेसर स्पीड देखने को मिल जाएगी। ये जो जे सीरीज के चिपसेट्स हैं ये टेक्नो इन्फिनिक्स अपने जो है बजट सेगमेंट के अंदर डिवाइसेस के अंदर यूज़ करते हैं, बट अगर हम वीवो की बात करें तो वीवो जो है बाकी स्पेसिफिकेशन तो हमें काफ़ी अच्छी दे रहा है, लेकिन गेमिंग के लिए यहाँ पर वीवो को जो है एक अच्छा चिपसेट देना चाहिए था। अगर वीवो यहाँ पर जो है हमें कोई गेमिंग चिपसेट प्रोवाइड कर भी रहा था तो वीवो को चाहिए था तकरीबन G95 का चिपसेट हमें प्रोवाइड करते, जो कि ऑप्टिमाइजेशनल चिपसेट है। अब वीवो की इस वेज का जो बजट है वो तो ज़्यादा है, लेकिन चिपसेट जो है टेक्नो इन्फिनिक्स वाला ही है। रैम वेरियंट की अगर हम बात करें तो 8GB रैम है, 128GB मेमोरी है। डिवाइस में जो है आपको 50MP का बैक कैमरा देखने को मिल जाएगा एंड 16MP की फ्रंट सेल्फी देखने को मिल जाती है। ओवरऑल दोस्तों ये जो डिवाइस है ना, इसमें जो है आपको 5000mAh की बैटरी और 18V का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। अगर हम डिस्प्ले को लेकर बात करें तो यहाँ पर कोई रिफ्रेश रेट वगैरह आपको नहीं देखने को मिलेगा। IPS LCD पैनल है, 1080 की पिक्सल रेजोल्यूशन है, एंड इस पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वीवो अगर हमें यहाँ पर AMOLED पैनल देता इन डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट, AMOLED पैनल, तो ये फीचर्स जो थे ये काफ़ी अच्छे हो जाते। और वीवो S1 आपको पता है ज़्यादा सेल आउट इसी वजह से हुआ था कि वहाँ पर जो उसका चिप था वो P65 था, बट वो जो P65 था वो PUBG में अल्ट्रा तक ग्राफिक्स को सपोर्ट करता था, एंड ओवरऑल वहाँ पर डिस्प्ले भी काफ़ी कमाल का था, जिसकी वजह से वो डिवाइस काफ़ी ज़्यादा सेल आउट हुआ, क्योंकि स्मूथ डिवाइस था, यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ फील आता था। अब यहाँ पर दोस्तों इस डिवाइस की अगर हम बात करें तो बजट तो तकरीबन इस डिवाइस का 35-36 हज़ार रुपये है, लेकिन 30-36 हज़ार रुपये के बजट में आई थिंक ये डिवाइस जो है थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि अगर हम बात करें गेमिंग डिवाइसेस की तो टेक्नो इन्फिनिक्स सिस्टम पर जो है आपको पता है 30 हज़ार रुपये के बजट में बहुत अच्छे डिवाइसेस, बहुत अच्छे चिपसेट्स के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। बट वीवो जो है थोड़ा डिवाइस जो है वीवो का ओवर प्राइस है, लेकिन अगर हम बात करें गेमिंग के हिसाब से बाज़ लोग वीवो को जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसका इंटरफेस बाज़ लोगों को अच्छा लगता है, यूज़ करने में बाज़ लोगों को वीवो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गेमिंग डिवाइस में वीवो का फर्स्ट गेमिंग डिवाइस होने वाला है, अब ये डिवाइस लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा कि डिवाइस की परफॉर्मेंस एक्चुअली में क्या है। ओवरऑल रिलीज डेट की अगर हम बात करें तो सितंबर के महीने में इस डिवाइस को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा। डिवाइस आपको कैसा लगा, इसके अलावा वीवो का एक और मॉडल है तो वो भी लॉन्च किया जाएगा, लेकिन वीवो ने अभी सिर्फ यही मॉडल इंट्रोड्यूस किया है वीवो Y33S, जो कि मीडियाटेक के G80 चिपसेट के साथ, गेमिंग चिपसेट के साथ आ रहा है। तो डिवाइस का जो बजट होने वाला है तकरीबन 34 से 35 हज़ार रुपये के बजट में इस डिवाइस को जो है पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। अब ये डिवाइस आपको कैसा लगा, इस हवाले से अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।